गाइस आज भी एक सरप्राइज है इनके लिए, सरप्राइज हसे कि ले मैंने लास्ट टाइम भी एक सरप्राइज दिस ले अमी अनला वायरल वायरल गर्ल लोगों ते लोग पगले दिया आगु का सो दिस टाइम तो इटू निसना नॉइ किंतु इटू एकदम यूनिक एंड अलग नेक्स्ट लेवल ला सरप्राइज एक ताजे गाइस एक ता चीज दिखाओ अपनी अन की चीज जाने अपनी का नजर है ना दिखाओ मैं अनला अजमेन भाई की करे से साबी कपड़ा वास करे से कुना घोटे से डेनियल भाई एसडी ना अच्छा तो पानी भी दूर आने वो ना लगे पानी भी और एक चीज मैं बता दूं ठीक है बताओ बताओ जब मैं फर्स्ट टाइम आया था ना तो ऑब्वियसली मोटर जो होता है वहाँ जो पानी आता है वो तो जमीन का अंदर से ही आता है मैं सोचा था कि भाई जमीन का अंदर से पानी आ रहा है इतना अच्छा ना फिर बाद में धीरे धीरे पता चला यार यहाँ पे इतना बड़ा टैंकी लगा के रखा हुआ है यस दिस इज माय वाटर टैंक और मैंने मोटर यहाँ पे फिट किया है सो पानी इसके अंदर है टैंकी बहुत बड़ा है 20,000 लीटर का में तो भाई पानी जमीन के नीचे से निकालना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है ना और कोई मैं वैसे भी कितना ऊंचा जगह में हम तो सोचा था भाई हमें मोटर फिट किया है इतना आसान से सैल्यूट बाद में पता चला कि आई वाज रॉन्ग तो बंदा ऐसा काम कर रहा है अच्छा से दो आपका भी कपड़ा धोना तो ला दीजिए हम वॉश कर देंगे हो जाएगा थैंक यू घर से बाहर निकलने से ना ये सब ये घर पे बैठा रहता है ना हम नहीं कर पाता यहाँ पर तो अभी सब कुछ यार जो मिलता है ये तो अलग पहने का डूब जाओ भाई डूब जाओ इतना एक बंद कर कपड़ा वगैरह सारा वॉशिंग मशीन में डाल दिया टाइमर वगैरह सेट कर दिया और अभी जा रहे हैं हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए आज खाएंगे हम रोटी भाई अपना हैंडसम रोटी तो नहीं बोल सकते क्योंकि अपना हैंडसम रोटी जस्ट अपने घर का ही होता है बाकी सबका बाहर का तो रोटी रोटी और कल हम ये वाला जगह दिखा रहे थे आप लोगों को भाई लिटरली पूरा फॉग हो चुका था बट आज देखो कितना ज़्यादा क्लियर है इनफैक्ट थोड़ा थोड़ा सा आपको दिख रहा है पता नहीं बारिश भी हो सकता है चलते हैं ब्रेकफास्ट करने को आ गया भाई अपना गर्मा गर्म रोटी और जिसमें है किंग चिली मिक्स करके बनाया बट आज कल मैं ये भी खा लेता और सब्जी के साथ एक अंडा किंग चिली खा के बहुत ज़्यादा मज़ा आया बिल्कुल भी झालने लग रहा मुझे बिल्कुल भी झाल नहीं लग रहा मैं किंग चिली बहुत आराम से किंग चिली खा लेता हूँ ये तो आजकल अच्छे से धोने लग ही गया हूँ साथ ही साथ आजकल मैं पैसे को भी वाश करने लग गया हूँ और यहाँ पर देखो 80 रुपये हमने अपना वाश कर दिया अच्छे से अब ये भी थोड़ा सा फ्रेश हो गया चलो भाई देखते हैं अभी क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते वो अलग बात है एंड उसके बाद आज का हम अपना ये खूबसूरत सा ब्लॉग को स्टार्ट करेंगे हेलो जी गुड मॉर्निंग अस्सलाम वालेकुम स्वागत है आप सबका हमारे एक नए से ब्लॉग में सो अभी तक का काम वगैरह आप लोगों ने देख लिया कपड़े वगैरह वाश कर लिए ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका है एंड अभी ऑलमोस्ट बच चुके हैं 12:10 एंड बाय द वे आज हम लोग जा रहे हैं एक ऐसे शख्स से मिलने के लिए जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा मैं शौक हूँ क्योंकि सभी लोगों का कहना क्या है अभी नहीं बताएंगे आप लोगों को सो आज हम जिस शख्स से मिलने जा रहे हो काफ़ी यूनिक सा बंदा है आई थिंक आप थंबनेल वगैरह देख के भी पता चल ही होगा बट स्टिल वो बंदा कैसा है और उससे मुलाकात हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा वो हमें बिल्कुल भी नहीं पता बस हम अभी रेडी हो गए हैं और यहाँ से ज़्यादा दूरी ऑलमोस्ट कितना दूर से ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर है सो लेट्स गो एंड होप कि हम मुलाकात कर पाएँ उनसे फिंगर क्रॉस और आप लोगों के साथ शेयर करें उनका जो भी रियलिटी है लाइफ वगैरह जो भी कुछ है वो आपके साथ शेयर करें एंड उनके बारे में मैंने काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब में सर्च भी किया था बट कुछ भी नहीं मिला सो आई थिंक हम आपको कुछ शेयर कर सकें अगर वो चाहेंगे तो सो लेट्स सी क्या होता है देखा जाएगा अभी डैनियल भाई भी रेडी हो चुके हैं एकदम हाफ हाफ ड्रेस में सेम लाइक मी और हम अब निकलते हैं यहाँ से कौन सी जगह वैसे जगह तो नाम क्या से जगह नाम तो चांदमारी से ना ओके और थोड़ा सा वेदर अभी आपको चेकआउट करा लेते हैं दोपहर 12 बजे के करीब में ये देखो भाई काफ़ी अच्छा है अभी दोस्तों हम लोग आ चुके हैं एक ऐसी जगह में जहाँ पर एकदम ऐसे सर ऊंचा करके देखना पड़ रहा है यार इतना बड़े बड़े बिल्डिंग्स वगैरह है इसके अभी हमें एक चर्च देखने को मिला था चर्च भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था बस वो खूबसूरती देखने का चक्कर में मैं आप लोगों को नहीं देखा पाया एंड बाय द वे अभी देखो हम लोग ऐसे गली गली रस्ते होकर जा रहे हैं ये देखो भाई बिल्डिंग इतने ऊपर है
पूरा सर ऊपर करके देखना पड़ रहा है। वाओ, ये कौन सा जगह है डेनियल भाई? मीटलैंड। मीटलैंड, मीटलैंड, खाने वाला मीट ना? ओके, नहीं खाने वाला मीट भी तो मीट ही तो होता है उसको। This is my church. Oh, this is क्या पढ़ेंगे? फॉर्म। हाँ, फॉर्म। ओके भाई, यहाँ पर भी देखो इतने अंदर में एक फॉर्म। ये लॉन्ग लेंग का है ना? लॉन्ग लेंग। কেনে কা আছে? বল বল কিমান ভাল? কুচ আছে, ইমানে আছে, ইমানে আছে ভাল। আরে হব লাগিব না। ও ভাই সব, আমরা এসে তরফ সে কেসে তো আ রে এক্সাক্ট নেই পতা, বাট ইয়েস ইস টপ টাউন হে। আর ভাই ইতনা আন্দর আন্দর মে আজ কি বাত, ইতনা ট্রাফিক লাগা হুয়া হে। আই ডোন্ট নো, আন্দর আন্দর মে পুলিশ ওয়গেরা ভি হে। কুচ তো হুয়া হোগা, কুচ তো চেকিং চল রহা হে স্পেশাল ইয়ার। চেকিং কুচ নেই হে। तो क्यों आज इतना ज्यादा ट्रैफिक है? कुछ प्रोग्राम इवेंट होगा, शादी वादी होगा शायद। ये बात तो हो ही से दे। हमें क्यों कौन कौन सा जाब लगेगा? स्टेट जाब लगेगा। ठीक है सर। राइट, सो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं जहां पर हमें आना था, और यहां से भाई क्या ही खूबसूरत सा व्यू देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ आप लोगों को और एक चर्च दिखाता हूँ जो कि हम लोग ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं करम फेस्टिवल के टाइम में। और जस्ट लुक एट दिस भाई, ये जो चर्च है ना, ये है कैथोलिक चर्च। यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और बाय द वे अभी हम कुछ ऐसे लोकेशन पे हैं, एग्जैक्ट नाम वगैरह क्या है? नाम चांदमारी। चांदमारी था ऐसे चांदमारी कहते लिखी जाए चांदमारी। ओके, फेलोन सेप। तो यहाँ अभी कोते जाबो लगे, एक भी क्लियर ना है। डेनियल भाई मुझे ले जाबो। মানু ঘরত তাই যাই কিনে চাব কি আছে কি নাই আছে এইটো চাব। আর আপনার ভি দেখাবো এটা ভিডিওতে দেই। ও ভাই ক্যা খুবসুরত সা ভিউ আ রা ইয়ার ইধর সে। আর স্টেপ সে আবি হাম যা রে ডাউন কে সাইড মে। ওয়াও, আবি আচ্ছা হোগি রাস্তা লাগতা হ্যায়। কি করি আছে? রেকর্ড করে আছে, রেকর্ড করে আছে না? দোনো ভি রেকর্ড করে আছে। এটা মাথা তো নিবা। তো চলো, যা পা হম বাইক পার্ক কেনা ওয়াহা সে অলমোস্ট হম লোক 600 ফিট নিচে আয়ে ভাই। চল চল কে ডাউন আতে আতে না পুরা থাক গিয়া। এন্ড আই থিং আবি হম লোক পৌঁছে গে উস শখস কে ঘর পে জিনসে হম লোক কে মুলাকাত করনা হে। অর ইদার দেখো ভাই, পুরা গ্রাউন্ড লেভেল মে হম আ চুকে হে। পুরা গ্রাউন্ড লেভেল মে यहाँ से पानी वगैरह जा रहा है, उधर में भी है, पूरा नदी वगैरह छोटा सा दिख रहा है। और बिल्डिंग्स वगैरह बात करें तो भाई अच्छा लग रहा है यार, इधर में बम्बू वगैरह भी देखने को मिल रहा है। ओ भाई इतना प्यारा है यार, आराम से आया और इतना इजीली भाई मुलाकात हो गया। और एक और ये ना इनका जो ओनर है उनका बात भी इतना आराम से सुन लेता यार, अच्छा है। की नाम है से? क्या नाम है इसका रखा? ओ वाओ, और एक छोटा सा यहाँ पर, नहीं नहीं इसको प्यार करने नहीं दे रहा है। Go. We'll see you later. वो भाई चला गया अंदर, देखो भाई। और ये छोटा सा भाई अभी जाना है भाई। और ये देखो अलविदा कहते हुए जाएंगे। क्यों ऐसे छोटो छोटो वाली? क्यों ऐसे मन दुनिया से हम लोग मिल के बाहर निकल चुके हैं और भाई उनसे मुलाकात करेंगे। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि एक्चुअली मैं अपने अपने आँखों से देखा है। हालांकि कुछ कुछ मैं आप लोगों को बता दूँ, वो बेड से नहीं उठते, वो बेड पे रहते हैं। और सबसे मेन पार्ट दोस्तों, इतना ज़्यादा फ्रेंडली, इतना ज़्यादा फ्रेंडली यार, पता ना थोड़ा सा मुश्किल है। और साथ ही साथ क्या था डेनियल भाई, एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा उनका भाई।
हम लोग तो थक भी गए थे यहाँ से जाते जाते, घर पर पूरा थक गया था। बट वो बंदा यार इतने देर तक हम लोग से बात कर एक बार भी थका नहीं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा उनसे मुलाकात करके। एंड आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा शायद हम लोग ऐसे मजाक कर रहे हैं, ऐसे किसी से मिला नहीं, बेफूदा वीडियोस बना रहे, बट एक्चुअली मैं उसका एज और मेरा एज सिमिलर ही है, एकदम सिमिलर है, एक दो साल का डिफरेंस है। और हाँ, आप लोगों को ये बता रहा था कि आपको लग रहा होगा कि हम लोग जस्ट मजाक कर रहे हैं कि उनसे मुलाकात वगैरह नहीं किए, बट एक्चुअली में हम लोगों ने उनसे मुलाकात किया है। एंड उनके बारे में आप कोई भी वीडियोस वगैरह में कहीं भी न्यूज़पेपर में आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। सो अभी भी हम लोग पूछ के ऐसे देखे थे, परमिशन लिया था कि बना पाएंगे कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि लाइक मेरा पर्सनल लाइफ है, उसको पर्सनली रहने देंगे तो अच्छा है। सो आई रेस्पेक्ट उनका जो भी फीलिंग्स वगैरह है, बट एनीवेज गाइस एक चीज़ तो मैं आपको फीडबैक 100% दूंगा, भाई काफ़ी मस्त बंदा था, काफ़ी फ्रेंडली बंदा था। इनफैक्ट नेक्स्ट टाइम भी इन्वाइट किया, तो अगर मैं फिर घूमने जाता हूँ इधर उधर उसके वापस आऊँगा तो और एक बार मिलेंगे, तब बोल रहे कि आप वीडियो बना सकते हो, तो लाइक अगर उस दिन का इंतजार रहेगा। सो अभी हम चलते हैं यहाँ से, कहाँ जाओ? टीसीपी गेट चलो चलो जी। अभी मैं आ चुका हूँ मिडलैंड, ऐसे कुछ नाम है इस जगह का, तो इसके जो ओवर ब्रिज है उस पर मैं खड़ा हूँ और यहाँ से क्या ही खूबसूरत सा व्यू आ रहा है, सोचा आप लोगों को भी दिखाते हुए चलते हैं। और देखो भाई इधर से क्या ही खूबसूरत सा व्यू देखने को मिला, हम आई थिंक इस तरफ से आए, अभी एग्जैक्ट नहीं पता किस तरफ से आए। और यहाँ पर एक मेजर हाई स्कूल, हाँ हाई सेकेंडरी स्कूल दिख रहा है और कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। और इधर देखो भाई ट्रैफिक वगैरह कितना भयंकर सा लगा हुआ यार। ये रास्ता जो देख रहा हूँ ना, ये शॉर्टकट रास्ता है, ये रास्ता अगर फॉलो करते हुए जाएंगे सो हम इजिली पहुँच जाएंगे नागा हॉस्पिटल की तरफ में। और हमें आई थिंक अभी जो काम है एक, वो काम शायद इस तरफ जाके करना पड़ेगा। वो कौन सा काम है वो आपको हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। यहाँ पर कुछ देर हम वेट करते हैं, डैनियल भाई आएंगे स्कूल के एक्चुअली में अपने बच्चे वगैरह को लाने के लिए, वो जैसे आएंगे उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे अपना सेकंड काम करने के लिए जो कि इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसके लिए जाना पड़ेगा। तो वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। सो दिस इज मिडलैंड ऐसे कुछ नाम है। अभी मैं कहीं तो जा रहा हूँ, पता नहीं पर कहाँ जा रहा हूँ, मुझे कुछ म्यूजिक वगैरह का आवाज़ सुनने को मिल रहा है। सो मेन रोड को छोड़ के हुए मैं अभी ऊपर के साइड में जा रहा हूँ और कुछ ऐसा देखने को मिलेगा पूरा। ओ आई थिंक ये घर पे, ओ न्यू लाइफ चर्च, यहाँ पर हो रहा है म्यूजिक वगैरह, तो यही सुन के मैं सोचा था कहाँ पर क्या हो रहा है, चलो देखते हैं। तो इसके अंदर में कुछ तो प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं। वाह कहाँ पर आ गया भाई पता नहीं। के लोगों को एक चीज़ तो मानना पड़ेगा यार, एक तो इतने पहाड़ों में घर बना के रहना जो कि हमारे बस के लिए नहीं है, बहुत ज़्यादा डर लगता है। और साथ ही साथ इन लोग जगह भी बना लेते हैं अपना लाइक फार्मिंग करने के लिए, छोटे छोटे जगह जहाँ भी मिलता है, और उस जगह में भी इतना ईजिली लोग स्टे कर लेते हैं, अपना लाइफ स्पेंड कर लेते हैं, भाई वो मानना पड़ेगा। ये देखो भाई काफ़ी भयंकर से जगह में ये घर भी बना रहा है, एकदम पहाड़ों पर है, लाइक थोड़ा सा भी किधर लेंस तलेट हुआ ना तो घर चला जाएगा, पर उसका बिल्कुल भी डर नहीं करते एक्चुअली में। लाइक उन लोगों का अभी वो हैबिट हो गया ना, तो उन लोगों का डर लगता ही नहीं है। हम तो थोड़ा सा अगर एक पत्थर पहाड़ से गिर जाए ना उसके बाद तो आधा जिंदगी ख़त्म हो गया ऐसे लगता है, बट इन लोगों को मानना पड़ेगा भाई बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग। यू वांट टू कैरी? ओके Hi, I'm Zutala from Chakasan community and we're vlogging in Heritage. So those are my friends. Here's the honor. Hi. Hi. I've already said hi. You yeah. Say hi. Okay. So. Yeah. You can explain about this. So this is the heritage. Like mostly our cosplays take place here, and it has a very good environment. It is. I don't know how to say, but like it's kind of shows our, I don't know, traditions, mostly. And that's Takuchila from Chang community. Hey, lucky. And that's Achole from Zilian community. And the girl there is Litrongla from Sangtang community. So they're actually feeling shy. Please excuse them. ऑलराइट सो अभी मैं आ चुका हूँ वापस उसी जगह में जहाँ पर डैनियल भाई मुझे ड्रॉप करके गए थे। और अभी हम लोग जस्ट घूमने के लिए गए थे हेरिटेज राजभवन, आई थिंक कुछ ऐसे जगह का नाम है राजभवन हेरिटेज
कुछ तो था यार, एक्चुअली मैं नहीं पता। और वहाँ पर लाइक क्या था कि एक्चुअली क्या है ना, बहुत सारे आर्मी लोगों का एरिया है ना, तो इसके वजह से मैंने वहाँ पर ज़्यादा वीडियोस वगैरह नहीं बनाए, थोड़ा बहुत आप लोगों को बना के दिखाया। एंड अब यहाँ से हम जाएंगे फुल बारी तरफ में, आई थिंक वहाँ से जाके हम लोग कुछ सामान वगैरह खरीदना है। आप कौन सा सामान नेक्स्ट व्लॉग में देखिएगा। तो आज के इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं एंड मिलते हैं कल हमारे नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।